सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी। अभी हम पहुंचे हैं एर्नाकुलम से करीब 150 किलोमीटर दूर एक मुन्नार नामक जगह है। यहां पर बहुत सारे टी गार्डन देखने को मिल जाएंगे। जैसा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां भी काफ़ी सारे टी गार्डन हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सन 2013 में आई शाहरुख खान दीपिका पादुकोण स्टारर सुपर डुपर हिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपने गाना जरूर सुना होगा, कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी। वो जो गाना है वो पूरा गाना जो है केरल में शूट हुआ है और फिल्म की कहानी भी इस तरह दिखाई गई है। उसमें शाहरुख खान जो है मुंबई के होते हैं और दीपिका पादुकोण जो साउथ इंडिया के होती हैं। तो शाहरुख खान जो है साउथ इंडिया आते हैं दीपिका पादुकोण के साथ, तो फिर आधी फिल्म की शूटिंग जो है पूरे साउथ इंडिया में हुई है। तो फिलहाल हम एक फोटो पॉइंट पर खड़े हैं मुन्नार में। मुन्नार आप बस से आ सकते हो, यहाँ पर ट्रेन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। कहीं से भी आप एर्नाकुलम आ जाइए, एर्नाकुलम से करीब 150 किलोमीटर दूर 4-5 घंटे का सफ़र तय करके मुन्नार पहुँच सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑटो हायर किया है, देखिए इसमें ये इनका टूर पैकेज होता है। देखिए अगर आपको पूरा टूर करना है तो करीब उसमें 2 से 2.5 हज़ार रुपये का चार्ज देना पड़ता है, लेकिन हमें कुछ मुख्य पॉइंट घूमने जहाँ पर फिल्म की अधिकतर शूटिंग हुई थी। तो देखिए हम यहाँ पे घूमेंगे, एक नेचर टूर करेंगे ये और एक है नेचर एंड एडवेंचर टूर। और देखिए इसमें इधर भी काफ़ी सारे साइड सीन हैं, जैसे कि हाथी की राइड करना है या फिर जीप में घूमना है और काफ़ी सारे हैं पैराग्लाइडिंग वगैरह, और यहाँ पर आप आयुर्वेदिक मसाज भी करा सकते हो। दोस्तों आपने कभी आइस एप्पल खाया है? आइस एप्पल मतलब बर्फ़ का सेब। तो मेरे हाथ में जो फ्रूट देख रहे हो आप, इसको आइस एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। और आओ भैया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तारकोला। हिंदी में इसको तारकोला बोलते हैं। तो इसका जो पेड़ होता है उस पेड़ को क्या बोलते हैं? पेड़ का नाम क्या है मालूम नहीं, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ताड़ी के पेड़ पर ताड़ी आती है ना, ऐसा इसका सेब है, लेकिन ये ताड़ी के पेड़ पर नहीं रहता, इसका अलग से पेड़ होता है। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये। इसका स्वाद अन्ना, इसका स्वाद कैसा है? टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट भी तो अच्छा है। अभी बारिश है ना, ये पूरा अभी बारिश टाइम जरा टेस्ट कम है। कोकोनट का सा टेस्ट लग रहा है मेरे को इसमें, कोकोनट का टेस्ट आता है ना इसमें। मैं बताऊं इसका स्वाद? कभी कच्चा सिंघाड़ा खाया? हां कच्चा सिंघाड़े का हुआ है बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखिए ए भाई साहब, ऐसे होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीस लटक रहे हैं एक में, और एक को काटेंगे ना तो एक में 4 पीस निकले अन्ना। इसमें एक में कितना पीस निकलता है? 3 निकलता है, मुझे लगा शायद 4 निकलता है। और देखिए ये सिंगल है भाई, ये सिंगल कैसे है? ये नारियल फ्लेवर अंदर खाने के। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना शूट हुआ था। यहाँ दोस्तों ये वही जगह है, ये वही रोड है, ये वही चाय के बागान हैं जिनके बीच में फिल्म का जो है सीन शूट किया गया था। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये एक टी फैक्ट्री है और एक टी फैक्ट्री इधर है। तो गाने में जो है इस वाली टी फैक्ट्री को दिखाया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुन्नार टॉप स्टेशन, कुछ स्टेशन इधर हैं, कुछ टॉप के स्टेशन इधर हैं, लेकिन हमें तो यहीं से बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो फिल्म के सीन में जो है ये टी फैक्ट्री दिखाई गई, लेकिन इसको बिल्कुल फ्रंट से दिखाया गया है और कैमरा जो है उधर से एंगल किया गया था, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे गार्ड साहब लगे हैं और यहाँ पे बैरियर लगा रखा है, कह रहे थे कि टूरिस्ट के लिए अंदर अलाउ नहीं है। तो हम अभी इस टी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जाएंगे उधर, वहाँ से मैं आपको कुछ लोकेशन मैच कराने की कोशिश करूँगा अगर हो जाएगी तो। वैसे भी अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, थोड़ा सा भी बिल्डिंग देख सकते हैं। वैसे भी सीन जो ऊपर से लिया गया था और सारा ड्रोन का सीन था। बाकी उधर वहाँ पे जो रोड देख रहे हैं आप, तो वहाँ वो देखिए वहाँ पे जो गाड़ी जा रही है वहाँ पे भी एक सीन शूट किया गया था, चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखा तुझे तो कहा, तभी तो मैं लेके आऊँ यहाँ कि भाई यहाँ चल, यहाँ से टी फैक्ट्री दिख रही थी। फिल्म का सीन देखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर चाय की पत्तियाँ किस प्रकार चुनी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कुछ लोग जो हैं काम कर रहे हैं। यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है तो मैं दूर से ही जूम कर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस तरह से ये पत्तियों को काट के बोरा में भरते हैं, कई औरतें लगी हुई हैं, दिवाली लेडीज ये काट रही हैं। देखो
कुछ हाथ से तोड़ रही हैं और इनके पीछे, अरे ये तो चल रही भाई, सही है आप हट जाओ इससे कि उनका सीन आ जाएगा। देखो काट रही हैं अब, ये कटर लगा रखी है इसमें, नीचे जो है बोरा लगा रखा था, तो कटर जिस काटते हैं ना पत्तियों तो बोरा में भर जाती हैं वो, इस तरह से जो है कटिंग की जाती है चाय की पत्तियों की, उसके बाद बोरा में भर के इनको आगे ले जाया जाता है फैक्ट्री में। तो इस तरह से प्रोसेस होता है चाय की पत्तियों को, इस तरह से काट करके फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होता है। हम लास्ट टाइम ऊटी गए थे ना, तो ऊटी में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि किस तरह से चाय के बागान से पत्तियों को चुन करके इनका फिर इनको सुखाया जाता है और चाय के दानों में इनको परिवर्तित किया जाता है। हिंदी में कहावत है ना, बगल में छोरा गाँव में ढंडोरा, वो वाली बात हो गई। काफ़ी देर से लोकेशन खोज रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले भाई साहब ने बताया कि हम जिस जगह पर खड़े हैं ना, इसी जगह पर फिल्म का जो है सीन शूट किया गया था, लेकिन कैमरा जो है वहाँ ऊपर से एंगल किया गया था, तो उसमें आप ये दुकान देख सकते हैं और उसके बाद में ये जो ये वाला जो रोड है ना, ये ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है ये वाला रोड और सामने की टी फैक्ट्री। अब मैं यहीं पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना ये एग्जैक्ट लोकेशन है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको ऊपर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और जब अलाउ नहीं है तो हम बताइए अब कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी जब फिल्म शूट होती है ना, तो अधिकतर फिल्म लोकेशन वाले ऐसी जगह को चुनते हैं जहाँ पर उनको शूट करने में दिक्कत ना। अभी तो देखिए ये मेन रोड है, तो यहाँ पर उन्होंने डांस वगैरह कम किया था, अधिक डांस वगैरह उन्होंने वहाँ पर किया था कि उधर रोड जो है, लेकिन ये वाला रोड और वो वाला रोड मतलब सेम से ही है, कोई ज़्यादा में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी यहाँ पर भी कुछ सीन शूट किया गया, थोड़ा आगे वहाँ चलेंगे अब हम। अन्ना क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु, तो विष्णु भाई ये हमको आज पूरा घुमा रहे हैं। विष्णु भाई यहाँ पे जब चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी, वो आपने देखी शूटिंग यहाँ पे? सर भैया चेन्नई एक्सप्रेस शूटिंग एक इधर एक मंथ हुआ, एक महीने एक मंथ इधर हुआ, तो ये एरिया पूरा भी ये रोड, दूसरा एक ऊपर रोड, हाँ पीछे वाला, हाँ पीछे वाला, ये पीछे वाला ये प्राइवेट रोड, हमको टूरिस्ट विजिटर्स अलाउड नहीं है। हाँ वो आपने बताया उधर टूरिस्ट विजिटर तो अलाउड नहीं है। हाँ वीडियोग्राफी सर बंद है, वीडियोग्राफी ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते यहाँ पे, पूरा भी बंद है, ये पूरा भी प्राइवेट एरिया, प्राइवेट कंपनी, कन्नन देवन कंपनी के हैं ये। टाटा टी फैक्ट्री में है ना यहाँ पे? टाटा टी फैक्ट्री इधर मिलेगा, दूसरा साइड है टाटा टी फैक्ट्री, इधर है कन्नन टी फैक्ट्री, इधर कन्नन, ये कन्नन ये केरला के ही है कोई? केरला, ये केरला है ना, ये पूरा भी केरला, नहीं ये कन्नन देवन जो बता रहे हैं ये कहाँ के हैं? ये केरला के ही है, केरला के, उन्हीं के ज़्यादा वो है यहाँ पे। तो आप शाहरुख खान से मिले क्या शूटिंग में? मिले, कब मिले थे शाहरुख खान? हमको मीट करना है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा कितना डिस्टेंस होगा? एक 200 meters। 200 meters कब? चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के टाइम में देखा या फिर पहले देखा? शूटिंग टाइम में देखा। ओके, दीपिका पादुकोण से मुलाकात हुई? थोड़ा भी दीपिका से नज़दीकी से मुलाकात हुई, दूर से ही होगी। अच्छा, तो ये एरिया दूसरा एक पोनमुडी डैम। अच्छा, वहाँ पे तो दोनों भी एरिया शूटिंग करते हैं दोनों। वो दूसरा शूटिंग एरिया कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर। ओके, यहाँ पे और भी फिल्में कुछ शूटिंग होती है क्या? टॉलीवुड हॉलीवुड कुछ? टॉलीवुड हॉलीवुड ज़्यादा फिल्म इधर शूटिंग है। अच्छा, तो टॉलीवुड का कोई नाम बता सकते फिल्म का शूटिंग इधर हो जाए? नाम मालूम नहीं। अच्छा, बट तमिल फिल्म आल्सो ज़्यादा है। तमिल फिल्म आल्सो शूट हियर? तमिल मलयालम कन्नड़ तेलुगु? तमिल मलयालम ज़्यादा शूटिंग है, तमिल मलयालम ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी हम यहाँ से किधर जाने वाले हैं? अभी हमको जाएंगे माटुपट्टी डैम। ओके, यहाँ से आगे भी हम कोई और लोकेशन देखेंगे इसका, चेन्नई एक्सप्रेस का, या पर यहीं पे लोकेशन? दूसरा लोकेशन हमको जाएंगे, ये गाड़ी चलाना ही। अच्छा, 20 किलोमीटर ऑटो वालों और टैक्सी वालों तो जाएगा। नेक्स्ट गोइंग टू द 4x4 जीप ओनली। अच्छा, ऑटो नहीं जाता उधर? फोर बाई फोर जीप जाता है, कार वगैरह? फोर व्हील ड्राइव। ओके, थ्री व्हीलर फोर व्हीलर कार, ये नॉर्मल जीप जाएंगे नहीं, जो 4x4 है वही जाएगा। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्या उधर? ये ऑफ रोड है, ऑफ रोड है, इसलिए वहाँ पे 4x4 काम करता है। ये टेम्पो ले जाएंगे तो भैया तो फंस जाएगा वहाँ पे, धक्का देना पड़ेगा फिर।
ये देख रहे। चलिए तो अभी किधर जाएंगे हम? अभी हमको माटुपट्टी डैम जाएंगे। माटुपट्टी डैम, ओके ओके। तो हम पहुंच चुके हैं माटुपट्टी डैम। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक जो है पार्किंग का रेट लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है बोटिंग का, पैडल बोट का यहाँ पे 400 रुपये का टिकट है, जिससे आप खुद उसको चला सकते हो। और यहाँ पे बड़ी बोट भी चलती हैं। बड़ी बोट में अगर आप नीचे की सीट लेते हो तो आपको 150 रुपये चार्ज देना पड़ता है, और अगर ऊपर की सीट लेते हो बालकनी की तो उसमें 200 रुपये चार्ज है। और इधर आइए, यहाँ से आप डैम देखिए। अभी इसमें थोड़ा कम पानी है, अगले महीने यानी अगर आप अगस्त में आओगे यहाँ पे, अगस्त में या सितंबर में, तो यहाँ पे पानी जो है बहुत बढ़ जाएगा। और इधर जो है देखिए, इधर से दिखाइए, यहाँ पे अभी डैम को पूरा बंद कर रखा है। इसको अगले महीने में या फिर उससे अगले महीने में खोलेंगे, यानी कि अगस्त में या सितंबर में, क्योंकि अभी पानी का फ्लो जो है बहुत कम है। तो चलिए जल्दी आओ, जल्दी गाड़ी आ रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी की शूटिंग लोकेशन देखी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि शूटिंग लोकेशन के अलावा में यहाँ पे जो लोकेशन है ना, कहीं भी चले जाओ मन्नार के चारों तरफ पूरी लोकेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब लोकेशन है। अब मैं आपसे ये कहूँगा, इधर दिखाइए, ये लोकेशन कोई कम लग रही है क्या? फिल्म की लोकेशन से भी बेहतर लोकेशन लग रही है ये। और इधर देखिए आप टी गार्डन, इधर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार लोकेशन लग रही है। और यहाँ पे नज़दीक से दिखाइए, ये देखिए चाय के पौधे, वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। और मुन्नार में चारों तरफ कहीं चले जाइए, अच्छी लोकेशन है, कहीं भी देख लीजिए। लेकिन ये हमारे एक वीडियो का टाइटल था कि हम आज किस वीडियो में जो है फिल्म की लोकेशन देखेंगे, बाकी यहाँ पर जो लोकेशन है चारों तरफ की बहुत ही गजब की है। आप आइए ना, बरसात के मौसम आओगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी, चाय के बागान कैसे लगे, और आपने कभी देखे हैं चाय के बागान या नहीं देखे, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।